नमस्कार, चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। तो मध्य प्रदेश में 7-8 जुलाई से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। इससे पहले मौसम विभाग ने शुक्रवार को रीवा, नीमच, श्योपुर कला, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, सतना समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी पानी गिरेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि दक्षिणी गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। ट्रफ लाइन भी गुजर रही है, एक अन्य ट्रफ लाइन और चक्रवाती घेरा भी है। इससे प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। अगले 24 घंटे में कई जिलों में 5 से 8 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। 48 घंटे के बाद सिस्टम कमजोर होगा, लेकिन हल्की बारिश जारी रहेगी। 7 जुलाई को सिस्टम फिर स्ट्रॉन्ग होगा, इससे 8 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश भर में बारिश, आंधी और गरज चमक का दौर रहा। सतना में 55 मिलीमीटर यानी 2 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। सागर में 1 इंच से अधिक बारिश हुई। भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, खंडवा, नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी, रतलाम, उज्जैन, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मंडला, छतरपुर जिले के नौगांव, सिवनी, टीकमगढ़, उमरिया और बालाघाट के मलाजखंड में भी बारिश हुई। रात में भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट हुई है। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, यहां दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।